पंजाब की तरह ये भी पेट्रोल रैली निकाल चुके हैं और बनारपुर से बक्सर ये रैली जाएगा। बाकी महागठबंधन में जो पार्टियां हैं नीतीश कुमार के साथ, उसके भी नेता यहाँ पे आए। तो उन लोग तो बोले कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं अभी तक मिला, क्या बोलेंगे? कई पे उतारू हो गए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं हाँ, कि हमने परमिशन नहीं दिया है। अच्छा, तो किस किसान का परमिशन लेकर के जमीन अधिग्रहण किए है? राकेश टिकैत भी आए थे वहाँ से पंजाब से, सरकार को भी बोले कि ट्रैक्टर ले लिए, एक महीने के बाद हम निकालेंगे। क्या आएंगे? हाँ, निकालेंगे शांति से करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं आंदोलन से, रुकेंगे नहीं, नहीं रुक। और बाकी आप लोग देख रहे हैं इधर मेरे जितने भी इर्द गिर्द और आस पास जितने भी लोग हैं वो किसान, आप लोगों को मालूम है कि चौसा में जो किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे लगातार कई दिनों से, वो देख लीजिए कि अब ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं और बिहार में भी ट्रैक्टर रैली चल चुका है किसान आंदोलन में। और तमाम तरह के नेता, पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सारे नेता किसान के आंदोलन में तो नहीं आए, लेकिन जब किसान के घर पे लाठीचार्ज हुआ तो सारे पक्ष के नेता आए और आके सहानुभूति दिए कि आपको होगा और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन देख लीजिए कि कुछ नहीं हुआ। तब जाके ये किसान भाई और किसान भाई तब जाके किसान आंदोलन अपना ट्रैक्टर रैली के द्वारा फिर से शुरुआत किए है और उसके बाद ये आंदोलन ट्रैक्टर रैली में तब्दील हो चुका है। और आज 26 जनवरी के दिन पे गणतंत्र दिवस के अवसर पे ये देख लीजिए किसान भाइयों का ट्रैक्टर रैली। अच्छा, ट्रैक्टर रैली कहाँ से निकला है? बनारपुर से। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक? किला मैदान में। और फिर वहाँ से वापस आएगा। आइए, हम भी यहीं पे हो जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ चलिएगा, धीरे 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 धीरे। देखिए आप लोग देख रहे हैं, चलते आगे बढ़ाते रहिए थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम भी ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं और ये किसानों की हक की लड़ाई है। और जब किसान अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके बाद किसानों के घर में घुस के लाठीचार्ज किया जाता है और उसके बाद नेता आते हैं पक्ष के और विपक्ष के और आके सहानुभूति झुटमुट कर देते रहते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जब नेता न्याय नहीं दिलवा पाते हैं तो उसके बाद ये जो किसान भाई है ट्रैक्टर रैली निकालते हैं और पंजाब की तरह ये भी ट्रैक्टर रैली निकाल चुके हैं और बनारपुर से बक्सर ये रैली जाएगा। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मांग जब तक पूरा नहीं है, धरना इसी तरह चलता ही रहेगा, धरना चलता रहेगा। आप लोग युवा है, धरना चलता रहेगा ना, चलता रहेगा, पीछे नहीं ना हटना है, पीछे नहीं हटना है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, पूरे पक्ष के विपक्ष के सारे नेता लोग आते रहे और आगे चलते रहिए सारे नेता पक्ष और विपक्ष के, लेकिन आखिर आप लोगों का फैसला न्याय दिलवाएगा कौन? आखिर ना पक्ष वाले दिलवाए ना विपक्ष वाले दिलवाए, कौन दिलवाएगा? मुख्यमंत्री है ना। हाँ, नीतीश कुमार वही दिलाएगा। तो वही, तो उनके जो जो महागठबंधन में जो पार्टियां हैं नीतीश कुमार के साथ, उसके भी नेता यहाँ पे आए। तो उन लोग तो बोले कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं अभी तक मिला, क्या बोलेंगे? हम लोग अपने से ले लेंगे। हम जा, हम किसान हैं और किसान जब धरती का सीना चीर के अन्न उपजा सकते हैं और उनके अन्न से सारे लोग खा के जीवित रह सकते हैं और उनका भरण पोषण हो सकता है, तो ये किसान भाई अपना हक अपने आप ले लेंगे। क्या बोले? किसान का भी जो मुआज बाकी है ना, अभी आधा अभी बाकी है, 64 एकड़ था, आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रैक्टर रैली जो है निकालने के बाद कुछ अन्याय मिलने का आशंका है? मिलेगा। अच्छा, राकेश टिकैत भी आए थे वहाँ से पंजाब से, सरकार को भी बोले कि ट्रैक्टर रैली एक महीने के बाद हम निकालेंगे, क्या आएंगे? निकालेंगे। कर रहे हैं SDM धीरेन्द्र मिश्रा, SDM साहब सरासर गुंडई कर रहे हैं, गुंडई पे उतारू हो गए हैं। वो कह रहे हैं हाँ, कि हमने परमिशन नहीं दिया है। अच्छा, तो किस किसान का परमिशन लेकर के जमीन अधिग्रहण किए है? हाँ, वो बताएं। आखिर वो जो जमीन अधिग्रहण किए है वो किससे अनुमति लेके किए है और पास किए हैं वही बताएं। धीरेन्द्र मिश्रा, आप पत्रकार बंधु हो, समय यही पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जाकर सवाल कीजिए कि किस किसान से अनुमति लिए हैं आप? आखिर आप लोगों का रैली बनारपुर से चल के कहाँ तक जाने वाला था? बक्सर किला मैदान तक जाने वाला था, लेकिन बीच में इसे क्यों डाइवर्ट कराए? डाइवर्ट करा पुलिस प्रशासन के बल पे, डाइवर्ट करा दिया भाई, डाइवर्ट करा दिया। हम वहाँ से किधर जाएगा? जो आप लोग का ट्रैक्टर रैली है यहाँ से फिर घूम के बनारपुर में, बनारपुर जाएगा, गांव से घूमते हुए, गांव हर गांव से घूमते हुए फिर बनारपुर तक जाएंगे। बनारपुर तक जाएंगे।
मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग कुछ भी करिए सरकार या पुलिस प्रशासन, लेकिन हम शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करेंगे और डिगने का नाम नहीं लेंगे। सही है, शांति से करेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं आंदोलन, रुकेंगे नहीं, नहीं रुक। और बाकी आप लोग देख रहे हैं इधर मेरे जितने भी इर्द गिर्द और आस पास जितने भी लोग हैं वो किसान भाई हैं, और इन किसान भाइयों के साथ और इनकी न्याय की मांग के साथ, किसान भाइयों के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय किसान।